प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर अच्छा है या बुरा इस पर मेरा क्या ओपिनियन है ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर सलार का ट्रेलर का रिव्यू एक लाइन में दूं तो मुझे ठीक ठाक ही लगा। ट्रेलर में वो बात नहीं थी, टीजर और पोस्टर ने तो ऑडियंस में अपनी जबरदस्त हाइप बना ही ली थी, एकदम हाई लेवल की, बट उनको मेंटेन करने में डायरेक्टर साहब इस बार नाकामयाब रहे। प्रशांत नील जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, एक तो उनके हाल ही में आए इंटरव्यू से फैंस काफी नाराज हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये मूवी सलार केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है। सलार दो दोस्तों के बीच की कहानी होने वाली है जो पहले काफी अच्छे दोस्त थे लेकिन बाद में फिर वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस मूवी के हाइप के पीछे कुछ हद तक केजीएफ का भी हाथ था क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि केजीएफ और सलार एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाली है, सेम डायरेक्टर सेम सेटअप, क्योंकि केजीएफ की दोनों मूवीज भी हुम्बाले फिल्म्स के अंडर बनी हुई है और सलार भी। पर अभी भी भाई सलार का ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली वाइब ही आ रही है। बात करें मूवी के ट्रेलर की तो उसको देखकर लग रहा है मूवी दो दोस्तों के बीच की स्टोरी है कि कैसे जब एक दोस्त पर मुसीबत आती है तो उसका बचपन का परम मित्र उसकी हेल्प करने के लिए आता है। ये मूवी केजीएफ से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है क्योंकि ट्रेलर में जिस टाइम की कहानी बताई गई है वो केजीएफ से भी पहले की है। डायरेक्टर साहब आपने दिल तोड़ दिया हमारा। ट्रेलर है पूरे 3 मिनट 46 सेकंड का और प्रभास की एंट्री होती है 2 मिनट 18 सेकंड में, जो थोड़ा अजीब था और सरप्राइजिंग भी इन ए नेगेटिव वे। और जितना प्रभास को दिखाया गया है बचे हुए 1 मिनट में ना, उसमें के आधे सीन तो हम टीजर में पहले ही देख चुके हैं। तो कहीं प्रभास का मूवी में रोल कम तो नहीं होने वाला है? नहीं भाई नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मूवी लवर्स और प्रभास के फैंस के लिए ये दिल टूटने वाली बात होगी। एक तो पहले ही इस बात से झटका दे दिया है कि मूवी केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है। आई होप कि ऐसा ना हो कि सलार मूवी में प्रभास का रोल बहुत कम देखने को मिले। बाकी ट्रेलर के म्यूजिक के बारे में बात करें तो म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक का यूज काफी अच्छे से किया गया है और भाई प्रभास की हिंदी डबिंग भी अच्छी लग रही है। ट्रेलर में वैसे ज्यादा तो नहीं दिखाया गया है प्रभास को, बट जहाँ भी दिखाया गया है वहाँ पर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। मूवी में इनके दोस्त पृथ्वीराज सुकुमारन होने वाले हैं जो काफी अच्छे एक्टर हैं। और भाई अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे मूवी से अभी भी पूरी उम्मीदें हैं कि अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन है इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील। इन्होंने शाहरुख खान की और राजकुमार हिरानी की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म डंकी के साथ सलार का क्लैश करवाया है, ये जानते हुए कि एसआरके हजार हजार करोड़ की दो बड़ी फिल्में दे चुके हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस बंदे को अपने कंटेंट के ऊपर कितना भरोसा है। अब मूवी कैसी होगी अब ये तो 22 दिसंबर को ही पता चलेगा। मूवी का रिव्यू भी मेरे इस चैनल पर देखने को आपको मिल जाएगा। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मिस्टर मूवी इन्फो।